बलियरी में रेत माफियाओं पर नहीं लग पा रहा है अंकुश। खनिज विभाग व पुलिस प्रशासन क्यों बैठे मून। सिंगरौली बैठन बलियरी के रेड नदी से रेत का गोरख धंधा चरम पर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 40 से 50 ट्रैक्टरों द्वारा रात दिन अवैध रेत परिवहन किया जा रहा है। बारिश में बेचने के लिए किया जा रहा है रेत का अवैध भंडारण। जमुआ से लेकर बलियरी के खुले मैदानों में रेत माफियाओं द्वारा जगह जगह पर रेत का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। रेत माफियाओं के बने बैठे हैं बाहुबली पंकज शाह, अरविंद शाह। सूत्रों से पता चला है कि अवैध रेत परिवहन करने वाले पंकज शाह, अरविंद शाह द्वारा रात में डंपरों व हाईवे में अवैध रेत लोड कर उत्तर प्रदेश के अनपरा भेजा जा रहा है। वह अवैध रेत परिवहन करने वाले भारी ट्रैक्टरों से रंगदारी वसूली जाती है। बलियरी में 13 अप्रैल 2019 को रेत माफियाओं द्वारा हो चुका है हादसा। बताते चले कि 13 अप्रैल 2019 को अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर बलियरी निवासी उमेश बेश के गाय व गाय के बछड़े को टक्कर मारते हुए उमेश बेश के घर के दीवार से जा टकराया था, जिसमें गाय व गाय के बछड़े बुरी तरह जख्मी हो गए थे और घर का दीवार टूट गया था। वह बड़ा हादसा होने से बच गया। कब थमेगा रेत का खेल? क्या प्रशासन बड़ा हादसा होने का कर रहा है इंतजार? बलियरी वासियों ने कलेक्टर महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द रेत माफियाओं पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।